हमारे गांव को नेता, हमारे गांव में 25% है, 75% चाहिए। वो आके लखन बढ़िया ना, जो भीमसिका का कहा तैयब है वो बढ़िया दलाल है, वो मुखबर है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो मुखबर ही करता, दलाली करता है, इसलिए उसको गांव साथ नहीं देता, इसलिए जेई को पसंद करते हैं हम। मगर अब उसने गांव बिगाड़ दिया, गांव में कोई भलाई का काम नहीं किया, गांव में कोई झगड़ा हो जाता आपस में तो उसमें चुगली मुखबर ही करता, हो बस इतना काम है उसको, इस कारण उसको वोट नहीं मिलती। बस फिर बाबा के पास जाऊंगा। बाबा ये कहना कि गांव बिगाड़ दिया है, मुखबरी क्या करता है। सही कह रहा है? या सही कह रहा है। अच्छा हाँ, अब हालांकि गेले, हाँ वाकई वो ये सही कह रहा हूँ, मुखबरी की बात सही कह रहा है। मुखबरी करे। हाँ बिल्कुल करे। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। बताना चाहूंगा इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो हथीन विधानसभा के गांव भीमसिंह में है। अब भीमसिंह का इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस गांव के एक नेता जो है पिछले दो चुनाव जो है वो विधानसभा के हार चुके हैं। लगभग उनका जो चुनाव का दौरान है वो 30 साल से राजनीति में आए हुए हैं, पूरी मेहनत करते हैं अपनी, लेकिन उसके बाद लोगों के मन में भी उनके विचार क्या है, लोगों से बातचीत करते हैं और उन्हीं के गांव के लोगों से ये बातचीत जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नेता विधानसभा में कितना मजबूत है और उनके गांव के जो लोग हैं वो किसकी तरफ रहेंगे, अपने की तरफ रहेंगे या दूसरे नेता की तरफ जाएंगे, क्या उनके मन होंगे, वो सारी बात जानेंगे। शुरुआत एक बाबा से करेंगे। का नाम बाबा? मुबीन कौन पार्टी कौन नेता बने, कौन पार्टी कौन ना, नेता कोई बने, पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, कौन नेता बने? फ्री जमींदार आदमी कोई पसंद ना? ना, विधानसभा में क्या मन बनाया हुआ है आपने? कांग्रेस विधानसभा कांग्रेस के लिए के लिए? कांग्रेस पार्टी को टिकट किसी को मिल गया? किसी को भी, ऐसा तो नहीं कि भाई एक पर्सनल किसी चेहरे के पास ज्यादा करके जेई का चांस है। भीम ज्यादा हो। भीमसिंह का सिंह, सिंह आपके गांव के नेता का क्या हाल है? हमारे गांव का नेता, हमारे गांव में 25% है, 75% चाहिए। चलिए आप बताइए जी। ठीक है, एक तरफ मास्टर जी वोट वोट दे, मास्टर जी वोट वोट। आप बताइए जनाब, क्या नाम है? कांग्रेस का कांग्रेस कोई जैसे आपके गांव के नेता हैं उनसे कोई समर्थन कांग्रेस का कांग्रेस होता नहीं दे रहा। में पक्के सच? अच्छा, आप बता भैया क्या नाम है? कांग्रेस कांग्रेस नासिर कांग्रेस कांग्रेस की कहाँ इंटरव्यू बता पाए? काम बढ़िया करे नहीं, बढ़िया सब काम बढ़िया करे जो करे। भाई सारे गाँव को भी देता चुनाव में है, उनका क्या मतलब? हम कांग्रेस लेंगे, कायल टिकट मिले चाहो, दोनों में से कायल मिले। आप कांग्रेस को आप बताइए भैया क्या नाम? आलिफ मेरा नाम है। कौन पार्टी कौन नेता पसंद? अपने गांव को भाई तैयब साथ हूँ। नवासी आप बताओगे? चलते हैं इधर बच्चे में। भैया क्या नाम? मेरा नाम आरिफ है जी। कौन पार्टी कौन नेता पसंद? भाई साहब ने तो कांग्रेस देंगे वोट हम। कांग्रेस पार्टी हाँ हाँ टिकट चाहे किसी के पास है? हाँ सही बात, जय 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 पक्का है पक्की। या फिर मतलब किसी और को मिलेगा तो उसको बता देंगे? हाँ दे देंगे, जब ना मिलेगा तो रोज खड़े हो, टिकट जब कैसे दें? टिकट और वो खड़े होते हैं हाँ कपन सही के। आप बताइए बाबा, भाई, अब तो ये वोट देंगे, ये वोट देंगे बिल्कुल बिल्कुल। गांव 25% कितने सौ वोट परसेंट देते है। हैं? ये गांव से ये कौन बाहर के? वो तो अपने अपने आइडिया का के ना बता रहा हो सर, ना वोट भी चाहिए दे रहा तैयब की जाएंगे, तैयब की ना, ना ये कोई बात, कोई घर ये खड़ो कोई और है, क्या दिखा रहे हैं? तैयब की जाएंगे ठीक है। गांव में कितने वोट तुम कह रहे? 25% है आधी तो आधी वो ही जाऊंगी, आधी वो जाऊंगी। हम में इतने मजबूत होना चाहिए। अच्छा कहा कह रहे बाबा? वहां के लखन बढ़िया ना, जो भीमसिंह का कहा तैयब है, वो बढ़िया? दलाल है, वो मुखबर है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो मुखबर ही करता, दलाली करता है, इसलिए उसको गांव साथ नहीं देता, इसलिए जेई को पसंद करते हैं हम। अच्छा, चुनाव में क्या था यार? पिछले चुनाव में तो तैयब तरफ था ज्यादा माहौल, मगर अब उसने गांव बिगाड़ दिया, गांव में कोई भलाई का काम नहीं किया, गांव में कोई झगड़ा हो जाता आपस में तो उसमें चुगली मुखबरी करता, हो बस इतना काम है उसको, इस कारण उसको वोट नहीं मिलती। बस फिर बाबा के पास जाऊंगा। बाबा ये कहना कि गांव बिगाड़ दिया है, मुखबरी क्या करता है। सही कह रहा है? या सही कह रहा है। हाँ अब हालांकि
गेले हाँ वाकर सही कह रहा वो मुखबरी की बात सही कह रहा मुखबरी करे हाँ बिल्कुल करे कैसे करे बस सब सारी बात वो कहा पूछा तो देखो काई नहीं भाई साहब बहुत ही तेज बहुत बता देते चलिए चलिए देखिए लगातार आप देख रहे हैं हमारे साथ और हम लोगों से बातचीत करें आगे भी हैं उनसे बातचीत करें लगातार लोगों से बातचीत करें कि अगली बार विधानसभा के चुनाव में उनका मन क्या है जानने की पूरी कोशिश है। बाबा मेरे साथ है उनसे बातचीत करने का नाम बाबा बाब मेरा नाम मोजी खान कौन पार्टी कौन नेता पसंद है बीजेपी 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 में कौन नेता है नेता या पार्टी हमारा प्रवीण डागर है ना प्रवीण डागर उनके पास टिकट नहीं रहता है किसी और के पास रहता था फिर और के पास ना रहेगा जब और देखेंगे आपके गाँव जो भी पसंद आएगा हमारे गाँव के नेता जी तो अभी तो कोई ऐसी खास बात ना कौन सा टिकट मिले कौन सा नहीं इनोलो पार्टी से इनोलो से और बीएसपी से जो गठबंधन के वो तो ऐसे वक्त बताएगा जी या तो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन से ना जीते कोई ना जीत ना आप बताओ कौन पार्टी कौन बोलो ना डेमोक्रेट्स आप बताएंगे बाबा अरे मैं क्या बताऊंगा बताओ ना आपके गांव के नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस गिरा गांव से किसके ज्यादा चले जाएंगे काय को मिले कांग्रेस को कुछ पता ना जी अभी फिलहाल तो आप बताओ ना पड़ पार अभी तक कोई कुछ पता ना है जब टिकट क्लियर हो जाए वो टिकट क्लियर होने पर जब पता पड़ेगी लग क्या रहा है कि गांव की अगर बात करें गांव में से गांव में सर हमारे नेताजी ने कांग्रेस का टिकट मिल गया तो पक्की 100% हमारे नेताजी को उठ रहे वो तो इनोलो से है ना इनोलो से तो फिर तो मुश्किल चांस कांग्रेस को टिकट गांव के नेता की वजह से गांव के नेता है तो पार्टी की वजह से तो ऐसे जी कुछ इनोलो पे कम पड़े है पब्लिक तो खूब पतो है आगे तो कांग्रेस की बख्तियारी दुनिया जैसे बकरी है वही हिसाब से बाकी ऐसा है वो तो वक्त बताएगा फिर तो आगे ठीक है तो कुछ पता ना अभी कहाँ होनो कहाँ ना होनो या तो ऊपर वालों भी जाने वक्त पे जाने क्या क्या होगा बिल्कुल हाँ क्या नाम भाई नाम शकील कौन पार्टी कौन नेता पसंद मेरे तैयब पसंद है भाई तैयब पसंद तो कई लोगों ने कई तरह की बातें की है कि वो तो ये करते हैं वो करते हैं दलाली करते हैं ऐसा बकवास है सब कोई दलाली नहीं करता सर तो लोग जो कह रहे हैं वो सब गलत है क्या नाम बताया आपने शकील शकील देखिए हम जो है वो आज भीमशिका गांव में है और भीमशिका के एक नेता है तैयब हुसैन वो भी चुनाव मैदान में उनके लेकर भी हमें बातचीत की और उसी के साथ हमने यहाँ जाना कि गांव का वोट परसेंट किसके खाते में जाता रहेगा तो लोगों ने बताया वो आपने वीडियो में देखा तो पूरा वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन लगा कमेंट करके जरूर बताएं लगातार डीटीवी को देखते रहें और अगर आपको चुनाव की कोई भी अपडेट चाहिए तो सबसे पहले इसके लिए डीटीवी को फॉलो करना बहुत जरूरी बनता है और हती नूह झिरका यानी कि फिरोजपुर झिरका और पुनाना इन चारों विधानसभाओं की अगर आपको कोई भी राजनीति से लेके ग्राउंड जीरो से लेके जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए डीटीवी पर ही आपको सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है तो लगातार देखते रहे हमारे साथ और बेल आइकन को प्रेस कर लें फेसबुक पे हमको फॉलो कर लें और बने रहे अजय कोहली के साथ डीटीवी पर कैमरा पर्सन तौफिक भिछोरिया करो धन्यवाद।